बादल आसमान से क्यों नहीं गिरते? हवा में हर तरफ जलवाष्प है, यानी गैस के रूप में पानी, इसलिए हम इसे देख नहीं पाते। लेकिन जब जलवाष्प वाली गर्म हवा ऊपर उठती है तो ये ठंडी होने लगती है। तब इसमें जमा पानी सघन होकर छोटी बूंदों का आकार ले लेता है, इसी से बादल बनने लगते हैं। पानी की ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि गर्म हवा इसे ऊपर की ओर उठा सकती है। ऐसा होते हुए हम रोज देखते हैं, किसी गर्म पेय पदार्थ को कप में डालने पर ऐसा ही होता है। जब तक बूंदें बड़ी और भारी नहीं होती, बादल ऊपर टिके रहते हैं। एक बादल बहुत वजनी भी हो सकता है। सैटेलाइट तकनीक से बादल के वजन का पता लगाया जा सकता है। सैटेलाइट के रडार उपकरण बादलों के आर पार तरंगे भेजकर पता लगा लेते हैं कि बादल में कितना पानी मौजूद है। गर्मियों के एक बादल का वजन कई सौ टन हो सकता है, लेकिन अगर तापमान बदलने से ये बरसात के बादल में तब्दील हुआ तो इसका वजन कई लाख टन भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बूंदें सघन होंगी, बादल में मौजूद पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। हवा चलने पर छोटी छोटी बूंदें आपस में टकराती हैं और मिलकर बड़ा आकार ले लेती हैं, इससे वे और सघन हो जाती हैं। छोटी बूंदें हवा में तैरती रहती हैं, वहीं बड़ी बूंदें नीचे आने लगती हैं। नीचे आते वक्त वो अन्य बूंदों से मिलती हैं और तेजी से नीचे आने लगती हैं। आखिरकार बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि धरती पर बारिश बनकर गिर पाएं। आखिरी बात, बादल आसमान से गिरते हैं, लेकिन तभी जब उनकी छोटी बूंदें बर्फ, ओले या बारिश के रूप में धरती पर गिरें।